देखो क्रेडिट वी का रिपेमेंट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्ले स्टोर पे जाके क्रेडिट वी एप्लीकेशन को सर्च कर लेना होगा। तो हम यहाँ पे क्रेडिट वी को सर्च करेंगे। जैसे आप यहाँ पे सर्च करोगे क्रेडिट वी एप्लीकेशन आ जाएगा। आपका ये एप्लीकेशन अपडेट होना चाहिए और ये एक रियल एप्लीकेशन है। आप चाहो तो इससे लोन ले सकते हो और अगर आप इससे भी अच्छे एप्लीकेशन पे अप्लाई करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उन पे अप्लाई कर लेना। इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि मेरा आज रिपेमेंट है या नहीं। तो हम यहाँ पे होम वाले ऑप्शन पे जाऊंगा इधर क्लिक करके एंड यहाँ पर फेचिंग योर प्रोफाइल एंड यहाँ पर मेरे जो लास्ट MI है वो मुझे पे करनी है। अभी मैं आपको दिखाऊं ऑफर्स में या फिर रिपेमेंट में जाऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरी लास्ट MI है, ये जो 4 MI थी वो मेरी चली गई और अभी आज 10 फरवरी है। ऊपर आप देख सकते हो तो मैं टाइम टू टाइम पेमेंट करता हूँ, ऊपर भी 10 फरवरी ही सैटरडे लिख के दे रहा है। एंड उससे पहले हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं होम पे आके। जैसे आप होम पे आओगे तो यहाँ पर आपको लोन शो कर जाते हैं। एक तो यहाँ पर फ्लेक्सी पर्सनल लोन है और यहाँ पर आपको पर्सनल लोन सैलरी मिल जाएगा, परचेज ऑन MI मिल जाएगा। देखो इसको आप तब ले सकते हो जब आपका कोई बिजनेस होगा। अब ये नहीं है कि आपने बिजनेस सिलेक्ट कर लिया तो आपको ये लोन मिल जाएगा। आपके घर पे क्रेडिट वी की तरफ से एक एम्प्लॉय आएगा जो क्रेडिट वी में काम करता होगा, वो आपका बिजनेस वेरीफाई करेगा तब आपको ये बिजनेस लोन मिलेगा। ऐसे ही आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो पर्सनल लोन सैलरी वाली मिल रही है ये भी आप तब ले सकते हो जब आप कहीं जॉब करते हो किसी कंपनी में और उस कंपनी की आपको सैलरी स्लिप अपलोड करनी पड़ेगी, तब आप यहाँ पे ये लोन अप्लाई कर सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम ज़्यादा ज्ञान नहीं देते, सीधा छोड़ते हैं। अगर आपको लोन लेना तो अच्छे अच्छे एप्लीकेशनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम यहाँ पे डायरेक्ट लोन को पे करते हैं, MI जो हमारी बची हुई है उसको हम पे करते हैं। तो हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पे क्लिक करेंगे यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप जिससे भी पे करना चाहते हो, इस एप्लीकेशन की एक अच्छी बात है कि नो कन्वेंस फीस, मतलब पेमेंट करने के कोई चार्जेस एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते हैं। जितने का आपका MI है उतने ही यहाँ पर आपको पे कर सकते हो। यहाँ पर मेरी 370 रुपये की MI है तो मैं UPI, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो UPI सबसे सिंपल है, आपको UPI सिलेक्ट कर लेना होगा। हम यहाँ पे विद UPI पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद किस UPI ऐप को आप ओपन करना चाहते हो, ये सारे UPI एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे, फोनपे, पेटीएम, गूगल पे। और यहाँ पर आप चाहो तो UPI ID भी डाल के रिपेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे UPI नहीं डालेंगे, हम डायरेक्ट UPI एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो हम यहाँ पे पेटीएम को सिलेक्ट करते हैं। जैसे हम पेटीएम को सिलेक्ट करेंगे प्लीज वेट एंड हमको पेटीएम एप्लीकेशन में रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पर आपको जिस भी बैंक से पेमेंट करनी है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जितनी भी बैंक आपकी लिंक है वो आ जाएंगी, पेटीएम की जितनी भी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, SBM, जितनी भी बैंक है वो आ जाएंगी। तो यहाँ पर हमारे जिस भी बैंक में पैसे हम उस बैंक को सिलेक्ट करते हैं, हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट ऑलरेडी है, हम पे सिक्योरली पे क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे स्क्रीन ब्लैक हो गई। यहाँ पर आपको अपना UPI पिन को डाल देना होगा, जो भी आपका UPI पिन है। तो हमने यहाँ पे जैसे पिन डाला यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली पेड हो चुकी है। अब हम थोड़ा वेट करते हैं एंड ये जो मेरी लास्ट MI थी, अब हम ये भी देखना चाहेंगे कि इसमें मुझे कितने का ऑफर मिलता है। और हमारी जो बैटरी है वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी से भाग रही है। यहाँ पे सक्सेस लिख के आ चुका है, हम नीचे ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो एक बार हम रिफ्रेश कर देते हैं सभी एप्लीकेशन को, क्योंकि हमें वैसे कोई ऑफर दिख नहीं रहा था वहाँ पर। तो हम जाएंगे फिर से क्रेडिट वी एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। जैसे हम दोबारा ओपन करेंगे तो हमारे समक्ष वाला इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो रिपेमेंट किया है तो हमें पहले 11,000 का लोन मिला था एंड हमें फिर से वही ऑफर दिया जा रहा है गेट नाउ। यहाँ पे देख सकते हो 11,000 का फ्लेक्सी पर्सनल लोन, हमें फिर से वही ऑफर मिल रहा है, हम उसी को ही अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा ऑफर नहीं आ सकता है, आ सकता है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारा लोन ले रखा है इसलिए हमें इस एप्लीकेशन में अब ऑफर नहीं आ रहा है। अगर आपके बहुत सारे लोन चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप ऐप यूज़ कर रहे हो पे लेटर वगैरह के, आपने बहुत ही ज़्यादा लोन ले रखे हैं, तो आपको किसी भी एप्लीकेशन में ऑफर नहीं आएंगे, इवन रिजेक्ट भी हो जाओगे। लेकिन अगर आप चाहो तो इसमें भी 11,000 का लोन ले सकते हो। और मैंने आपके लिए टॉप 5 रियल लोन एप्लीकेशनों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड अगर आप इन्वेस्ट वगैरह करना चाहते हो, म्यूचुअल फंड ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो एप्लीकेशनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उन एप्लीकेशनों को आप वहाँ से पैदा कर सकते हो बड़ी आसानी से।